दोस्तों तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक पॉपुलर टीवी शो है। इस शो को हर उम्र के लोग देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा शो के सारे किरदारों की एक्टिंग भी काफी अलग और काफी खास है और आज भी ये शो सब टीवी के सबसे फेवरेट शो में से एक है। इस शो के किरदार मास्टर भिड़े ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दरअसल मास्टर भिड़े का रियल नेम मंदार चंद वड़कर है और रिपोर्ट के अनुसार मंदार चंद वड़कर करोड़ों रूपए के मालिक है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई अवार्ड शो में भी अपने अभिनय के जलवे बिखेरे हैं और इन्होंने कई मराठी शो और मराठी फिल्मों में काम किया है। तो आइए जानते हैं मास्टर भिड़े यानी कि मंदार चंद वड़कर की लाइफस्टाइल के बारे में। दोस्तों मंदार का जन्म 27 जुलाई 1976 में हुआ था और वो एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले दुबई में जॉब करते थे। मंदार पहले मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करते थे और 1997 से 2000 के दौरान उन्होंने नौकरी भी की है। इन्होंने अपने शुरुआती करियर के दौरान थिएटर और एड फिल्मों में काम किया था और मंदार भारतीय टेलीविजन के लोकप्रिय इन्वेस्टिगेटिव शो CID में भी काम कर चुके हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अपने करियर के शुरुआती दिनों के बारे में बातचीत करते हुए इन्होंने बताया था कि शुरू के कुछ सालों में एक वक्त ऐसा भी था जब मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था और उस वक्त मैं काफी परेशान रहने लगा था। मंदार ने आगे कहा कि एक्टिंग मेरा पैशन था, इसलिए मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने एड फिल्मों के लिए करीब 1319 ऑडिशन दिए हैं, जिसकी गिनती में शुरुआत से ही लिख कर रखता था। मैं 2000 के दौरान दुबई से वापस महाराष्ट्र आया और उस साल से लेकर साल 2007 तक मैंने एड फिल्मों के ऑडिशन दिए थे। अब तक मेरी सिर्फ 25 एड फिल्में ही आई है। मंदार ने बताया कि वो अपने करियर में गुटबाजी का शिकार हुए हैं। उन्हें इस वजह से काम मिलने में काफी दिक्कतें भी आई थी। वो कई मराठी नाटकों में काम कर चुके थे लेकिन सीरियल में उन्हें काम मिलना मुश्किल हो रहा था। टीवी सीरियल प्रोड्यूसर्स अपने ग्रुप के लोगों को ही हर सीरियल में रखते थे, ऐसे में उन्हें किसी भी ग्रुप को भेद कर अंदर जाने में बहुत परेशानी हुई। उन्हें उस दौरान छोटे मोटे रोल मिले जिससे वो खुश नहीं थे। आपको बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में मास्टर भिड़े की पत्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सोनालिका जोशी ने ही उन्हें भिड़े के किरदार के बारे में बताया था। मंदार बताते हैं कि जब मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के लिए देने गया, तब शो के प्रोड्यूसर आसित मोदी ने मुझे देखते ही कहा था कि मुझे मेरा भिड़े मिल गया है। और आज इसी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के कारण मंदार को इतनी पॉपुलरिटी मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मंदार 20 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है। इसके अलावा वो काफी लग्जरी लाइफ जीना भी पसंद करते हैं। मंदार तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के एक एपिसोड के लिए 85,000 रुपए चार्ज करते हैं। इनके पास BMW X3 जैसी काफी महंगी कारें भी है। दोस्तों तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में सोनू के पापा और माधवी भिड़े के पति आत्माराम भिड़े यानी कि मंदार असल जिंदगी में भी शादीशुदा है। इनकी रियल लाइफ वाइफ का नाम है स्नेहल और इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम पार्थ है। बता दें कि मंदार की पत्नी स्नेहल भी पेशे से कलाकार है। दोस्तों पिछले कई सालों से तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो का हिस्सा रहे मंदार की जिंदगी में इस सीरियल के कारण कई बदलाव आए। अब घर घर में उनकी पहचान भिड़े मास्टर के रूप में होती है। मंदार ने बताया था कि उनके घर का लॉन्ड्री बिल भी मिस्टर भिड़े के नाम से ही आता है।